उत्पत्ति उसका 11 अध्याय में एक शब्द आया है गड़बड़ी। वो गड़बड़ी से उसने उनके लिए भलाई उत्पन्न किया, उस गड़बड़ी से उसने उनके लिए अपने वचन को पूरा किया। अगर वो गड़बड़ी नहीं होती तो शायद लोग दुनिया में नहीं फैलते, और परमेश्वर का वचन कभी भी पूरा नहीं होता, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। इसलिए वो गड़बड़ी आई, और जब गड़बड़ी आई तब मनुष्य पृथ्वी पर फैला, तब मनुष्य फला फूला और पृथ्वी पर भर गया, तब वो डेवलप हुआ, तब वो विकसित हुआ। यानी कि गड़बड़ी के पीछे कुछ अच्छा योजना छुपी हुई थी, उस गड़बड़ी के पीछे कुछ अच्छी योजना छुपी हुई थी, जिस योजना को लोग नहीं समझ पा रहे थे। और जब उस योजना को लोगों ने नहीं समझा तब परमेश्वर को उस गड़बड़ी को करना पड़ा, और जब उनके जीवन में गड़बड़ी आई तब वो प्रॉमिस, वो परमेश्वर का वचन उनके जीवन में फुलफिल हुआ, वो योजना जो परमेश्वर की थी उनके जीवन में पूरी होने लगी। लोग तितर बितर हो गए, लोग पृथ्वी पर फैलने लग गए, और वो धीरे धीरे डेवलप होने लग गए, धीरे धीरे विकसित होने लग गए, और परमेश्वर का वचन पूरा हुआ, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई थी, या फिर आई है, या फिर आ रही है, तो इसका मतलब परमेश्वर की उसके पीछे कुछ विशेष योजना है, कुछ विशेष योजना है उस गड़बड़ी के पीछे, उस गड़बड़ी के पीछे कुछ भलाई छुपी हुई है जो आपके जीवन के लिए भलाई है, आपके जीवन के लिए जिसमें भलाई उत्पन्न होगी। उस गड़बड़ी के पीछे, उस कठिन परिस्थिति के पीछे, उस परेशानी के पीछे आपके जीवन के लिए कुछ भलाई है, एक विशेष योजना है उस गड़बड़ी के पीछे, और बहुत जल्दी वो विशेष योजना आप पर प्रकट होगी। और प्रभु आपको जब उस गड़बड़ी से बाहर निकालेगा, उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, उस कठिन समय से परमेश्वर बाहर निकालेगा, उस परेशानी से आपको बाहर निकालेगा, उस दुख बीमारी से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा, और तब आपको उस गड़बड़ी के पीछे का जो रहस्य था, उस गड़बड़ी के पीछे का जो योजना थी वो समझ आएगी, और वो योजना आपके भले की होगी। परमेश्वर चाहता है आप पृथ्वी पर फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ, परमेश्वर चाहता है आप और उन्नति करें, इसलिए वो गड़बड़ी आपके जीवन में आई है, ताकि आप उस गड़बड़ी से समझें, उस गड़बड़ी से आप परमेश्वर की योजना को समझें और उसके पीछे आप चलना शुरू करें। हमारे जीवन में बहुत बार गड़बड़ियां पैदा होती हैं, और वो गड़बड़ियां हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं, क्योंकि उन गड़बड़ियों के पीछे परमेश्वर की कुछ योजना होती है, और उस योजना को फुलफिल करने के लिए हमारे जीवनों में बहुत सारी कठिन परिस्थितियां और परेशानियों से होकर के हमें गुजरना पड़ता है, और जब हम उससे गुजरते हैं तब हमें परमेश्वर की योजना साफ साफ दिखाई देने लगती है। अच्छा, ये परमेश्वर का प्लान था, अच्छा हुआ कि मेरे जीवन में ये गड़बड़ी आई, अच्छा हुआ कि मैं उस परिस्थिति से निकला, आज मैं बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना को देख पा रहा हूँ। एक गाना भी है, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार क्या किया, तोड़ा। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। मेरे प्रियो, वो गड़बड़ी, वो परिस्थिति, वो कठिन समय है आपको शिक्षा देने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको डेवलप करने के लिए, ताकि आप परमेश्वर की योजना को समझ सकें। यदि आज आपके जीवन में वो गड़बड़ी है, यदि आज आपके जीवन में वो परेशानी है, यदि आज आपके जीवन में वो कठिन समय है, यदि आज आपके जीवन में वो परिस्थिति है, तो यूं समझ लीजिए परमेश्वर की उसके पीछे कुछ विशेष योजना है आपके जीवन के लिए। आप रोज परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर उस परिस्थिति से आपको बाहर निकालेंगे और अपनी बड़ी योजना आपको दिखाएंगे, जैसे परमेश्वर उनको किया कि तुम फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ, और उनके लिए हर बात में परमेश्वर ने भलाई उत्पन्न की। उसी प्रकार परमेश्वर आपके और मेरे लिए हर परिस्थिति में भलाई उत्पन्न करेगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, और जो उससे प्रेम करता है उनके लिए हर बात में भलाई उत्पन्न होती है। आइए हम दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, विशेषकर प्रभु उन लोगों के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु, जिनके जीवनों में गड़बड़ियां चल रही हैं प्रभु, जिनके जीवन में परिस्थितियां चल रही हैं, जिनके रिलेशनशिप में, जिनके परिवार में, जिनके जॉब में प्रभु गड़बड़ियां चल रही हैं प्रभु, कठिन समयों से वो गुजर रहे हैं, परेशानियों से, दुख बीमारियों से वो लोग गुजर रहे हैं प्रभु, उनके लिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु आप उन्हें उन गड़बड़ियों से बाहर निकालें। पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना है आप उन्हें उन परिस्थिति से, उन कठिन समय से
बाहर निकालें प्रभु, और अपनी उस योजना को उन्हें दिखाएं प्रभु जो आपने उनके लिए तैयार करके रखी हुई है प्रभु। उन्हें शक्ति और सामर्थ्य से आप भरें प्रभु जी। पिता उनके इस समय में आप उनके साथ होए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हर एक परिस्थिति के पीछे, हर एक कठिन समय के पीछे आपकी कुछ विशेष योजना होती है प्रभु। हम धन्यवाद के साथ उस योजना के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।